पत्थर फेंकने वाला पीड़ित नहीं होता है, बल्कि पत्थर खाने वाला पीड़ित होता है। यह बात जन आंदोलन की राष्ट्रीय समन्वयक मेघा पाटकने की पाटकर चांदनखेड़ी गांव पहुंची और ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने बेटमा तहसील के चांदनखेड़ी घटनाक्रम की न्यायिक जांच करने की मांग की है। एनएपीएम की वर्किंग ग्रुप के सदस्य और मेघा पाटकर तहसील के चांदनखेड़ी गांव पहुंची। यहां ग्रामीणों से चर्चा कर सरकार और प्रशासन को घेरने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट बनाई। इस दौरान वे बेटमा भी आई और स्थानीय लोगों से मिलकर चर्चा की। उन्होंने पत्रकार वार्ता में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से निष्पक्ष और न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को निलंबित करना साबित करता है कि पुलिस ने अपनी भूमिका सही नहीं निभाई। साथ ही घटना के दूसरे दिन बिना सरपंच की जानकारी के मकान क्यों तोड़े गए, इसका भी जवाब प्रशासन से मिलना चाहिए। सरकार तत्काल एक जांच समिति का गठन कर निष्पक्ष जांच कराए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। अपनी भूमिका सही रूप से नहीं निभाई है और इन लोगों का कहना है कि रैली के साथ पुलिस आए थे, तो गांव का भी वही कहना था कि पुलिस भी हाजिर थे। अच्छा, दूसरे दिन जो घर तोड़े गए हैं वो क्यों तोड़े गए, रास्ता का चौड़ीकरण क्यों किया गया, पंचायत के सरपंच को खबर क्यों नहीं की गई और उसमें ट्यूबवेल और बोरवेल क्यों दबाए गए, इसका भी इस सवाल का भी जवाब लोगों को बहुत जरूरी लगती है। और अभी जो अस्पताल में घायल है और जिन पर भी आपराधिक प्रकरण लगे हुए हैं उनको सबको भी सही तो सब गांव के मुसलमान परिवारों से किया गया, वो चाहे पथराव की बात हो चाहे कादर अकबर भाई के परिवार की पूरी संपत्ति बर्बाद करने की बात हो। हमको ये विश्वासजनक करना है, समझना है तो कुछ जांच होने की ज़रूरत लगती है, क्योंकि अपने ही घर के जीप तोड़े, ट्रैक्टर्स तोड़े, सभी कपड़े जलाए, मोटरसाइकिल खाक कर दे और बहनों को हर घर के जाकर मैंने पूरी बात सुनी है, तो वो बात भी पूरी साशंकता से देखने की ज़रूरत नहीं लगती है और इनकी भी बात सुनने की ज़रूरत लगती है। वो गांव के मुसलमान परिवारों से किया गया, वो चाहे पथराव की बात हो चाहे कादर अकबर भाई के परिवार की पूरी संपत्ति बर्बाद करने की बात हो। हमको ये विश्वासजनक करना है, समझना है तो कुछ जांच होने की ज़रूरत लगती है, क्योंकि अपने ही घर के जीप तोड़े, ट्रैक्टर्स तोड़े, सभी कपड़े जलाए, मोटरसाइकिल खाक कर दे और बहनों को हर घर के जाकर मैंने पूरी बात सुनी है, तो वो बात भी पूरी साशंकता से देखने की ज़रूरत नहीं लगती है और इनकी भी बात सुनने की ज़रूरत लगती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।